महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु भक्त कई तरह के उपाय करते हैं। भगवान शंकर अत्यंत सरल स्वभावी हैं और बड़ी ही सरलता से उन्हें प्रसन्न भी किया जा सकता है। आइए जानते हैं महाशिवरात्रि के इस महाशक्तिशाली व्रत और इसके पूजन की विधि। भगवान शंकर की पूजा के समय शुद्ध आसन पर बैठकर पहले आचमन करें, इसके बाद आसन की शुद्धि करें। पूजन सामग्री को उचित स्थान पर रखकर रक्षा दीप प्रज्वलित करें। अब स्वस्ति पाठ करें। यदि आप रुद्राभिषेक, लघु रुद्र, महारुद्र आदि विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं तब नवग्रह, कलश, षोडश मातृका का भी पूजन करना चाहिए। संकल्प करते हुए भगवान गणेश व माता गौरी का पूजन करें, फिर नंदीश्वर, वीरभद्र, कार्तिकेय एवं सर्प का संक्षिप्त पूजन करें। इसके पश्चात हाथ में बेलपत्र एवं अक्षत लेकर भगवान शिव का ध्यान करें। भगवान शिव का ध्यान करने के बाद आसन, आचमन, स्नान, दही स्नान, घी स्नान, शहद स्नान व शक्कर स्नान कराएं। इसके बाद भगवान का एक साथ पंचामृत स्नान कराएं, फिर सुगंध स्नान कराएं और फिर शुद्ध स्नान कराएं। अब भगवान शिव को वस्त्र चढ़ाएं। वस्त्र चढ़ाने के बाद जनेऊ चढ़ाएं, फिर सुगंध, इत्र, अक्षत, पुष्पमाला और बेलपत्र चढ़ाएं। अब भगवान शिव को अलग अलग प्रकार के फल चढ़ाएं। इसके बाद धूप और दीप जलाएं। हाथ धोकर भोलेनाथ को नैवेद्य लगाएं। नैवेद्य लगाने के बाद फल, पान, नारियल, दक्षिणा चढ़ाकर आरती करें। इन सब के बाद अंत में क्षमा याचना करें। क्षमा मंत्र है आवाहनम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजाश्चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरः। इस प्रकार की संक्षिप्त पूजन करने से ही भगवान शिव प्रसन्न होकर आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। महाशिवरात्रि की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। आप देखते रहिए न्यूज़ व्यूज 360.com, कवरिंग अलग अंदाज में।